बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, जफर विड्रॉ रुपीज 12,548 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। एक बार अमाउंट को छोड़िए क्या कितना है कितना नहीं है। एक वर्ड आया विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकाल लेना, मतलब अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लेना, ठीक है। तो उसने कुछ रुपए निकाले हैं, इफ ही हैड रुपीज दिस, मतलब उसके पास अगर पहले इतने रुपए थे, कितने 50,824 थे, ठीक है, इतने रुपए थे और उतने निकाल लिए, अकाउंट कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट इन हिज अकाउंट, तो अब उसके अकाउंट में कितना अमाउंट लेफ्ट रह गया। तो भाई जितने थे ऑलरेडी उसमें से जो निकाले वो माइनस कर दो, हमारे पास लेफ्ट अमाउंट आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन इजी है, देखिए जफर है टोटल अमाउंट 50,824 एंड जफर विड्रू रुपीज, विड्रू द अमाउंट इतना 12,548, therefore remaining amount कितना रह जाएगा 50,824 या 50,824 में से 12,548 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 14 में से 8 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 7 में से 5 गए 2, अब ये 10 बचे, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गए 3, 38,276, therefore जफर हैज रिमेनिंग अमाउंट 38,276, ठीक है बेटा। तो इतने अमाउंट, इतने रुपए उसके अकाउंट में अब रह जाएंगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं, रमेश इज द टॉप रैंकर इन हिज क्लास, रमेश अपनी क्लास में टॉप रैंकर है, ठीक है, एंड ही गेट्स द स्कॉलरशिप रुपीज 2,570 ईच ईयर, हर एक साल उसे 2,570 रुपीज मिलते ही मिलते हैं, हाउ मच मनी विल ही रिसीव इन 5 इयर्स। देखना रमेश एक इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, और वो टॉपर है क्लास का, और उसको स्कॉलरशिप मिलती है हर साल, कितना 2,570 रुपीज हर साल मिलती है। तो कहते हैं 5 इयर्स में उसको कितने मिलेंगे, अरे भाई एक साल में इतने हैं तो 5 इयर्स में कितने हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, तो बस इतना ही करना चाहिए। रमेश गेट्स टोटल रुपीज 2,570 में टोटल कितने मिलते हैं, रुपीज 2,570, ठीक है, ये ना, हाँ, therefore रमेश will get total rupees 5 years, कितना आएगा 5 × 2,570, 12,850 रुपीज उसको क्या मिल जाएंगे, उसके रुपए मिल जाएंगे, कितने 5 इयर्स में, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा था सिक्स्थ क्वेश्चन, अब हम सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है देखना, इन अ कंपनी 15 एग्जीक्यूटिव्स सेंट 2,730 रुपीज, एक कंपनी है बेटा उसमें एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स मतलब कंपनीज के जो वर्कर होते हैं, ठीक है,
काफी अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। तो उस पोस्ट वाले जो पर्सन है उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने क्या किया, ईमेल सेंड किए, टोटल कितने हैं 2730, मतलब 2730 ये टोटल ईमेल सेंड किए हैं, कितने 15 पर्सन है, 15 एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। रिगार्डिंग अ न्यू ऑफर ऑन मोबाइल्स, मोबाइल पे कोई न्यू ऑफर आया होगा, ठीक है, तो 15 एग्जीक्यूटिव्स ने इतने मेल्स ईमेल्स क्या किए, सेंड किए, ठीक है। तो कहते हैं एक एग्जीक्यूटिव ने कितने ईमेल सेंड किए, 15 ने अगर इतने किए तो एक ने कितने किए, तो डिवाइड ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज लिखनी है थोड़ी बहुत और कुछ नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन, ईमेल्स सेंट बाय 15 एग्जीक्यूटिव्स कितने हैं, 2750 या फिर अलग है 2730, ठीक है। देयरफॉर ईमेल्स सेंट बाय 1 एग्जीक्यूटिव 2730 डिवाइड बाय 15 ने इतने तो एक ने कितने डिवाइड बाय 15 बन जा 15 12 15 एट जा 120 3 15 हो जा, ठीक है। तो 182 ईमेल्स सेंट बाय 1 एग्जीक्यूटिव, ठीक है बेटा। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। अब बेटा 8 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, प्लीज वो क्वेश्चन आप कीजिएगा। द फॉलोइंग टेबल 8 नंबर क्वेश्चन है, कंटेन्स द डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री। देखो एक कंपनी है, ठीक है, उसमें जो बल्ब मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बल्ब जो मतलब ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स नहीं होते हैं, तो वो जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बनते हैं, उनका डेटा दिया गया है मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, इन 6 दिनों का डेटा दिया गया है, 6 डेज का। और वो ये कहते हैं कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड इन द 6 डेज, इन 6 दिन के अंदर, इन 6 दिनों के अंदर जो टोटल बल्ब हमने मैन्युफैक्चर किए, हमने तो क्या कंपनी ने किए, ठीक है, तो वो टोटल बल्ब फाइंड करते हैं। तो बेटा इन सबका एडिशन ही करना है, एडिशन करके आपका आंसर आ जाएगा, तो आप इन सबका एडिशन कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स हम कल करेंगे, ठीक है। बाकी आप ये 8 नंबर क्वेश्चन ट्राई करके नोटबुक्स में कीजिए, फिर सैटरडे को आपकी नोटबुक्स भी हमें कलेक्ट करनी है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।